ये उग्र आंदोलन जो है, ये लोग जो मीडिया नाम दे रही है, पहली चीज़ है बहुत गलत है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो जामिया के स्टूडेंट्स थे वो सब बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कैंपस के अंदर थे। जो सड़क के बाहर लोग थे, जो भरतनगर और माता के मंदिर की तरफ लोग थे, वो जामिया के स्टूडेंट्स नहीं थे, वो दूसरी जगह से आए थे, दूसरे लोग थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर जो शुरुआत हुई है उसमें जामिया के स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में आकर मारना, मस्जिद में जाकर मारना, जो बहुत गलत है। और दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने लड़कियों को जो घर में पार्किंग में छुप रही थी उन्हें खींच खींच कर मारा है। लाइब्रेरी में रात में 8-9-7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बच्चों को लाइब्रेरी में, वॉशरूम्स में ले जाकर मारा है। सारे शीशे टूट गए यूनिवर्सिटी के, और दिल्ली पुलिस को अब भी ये नहीं लग रहा कि उन्होंने कुछ गलत करा है। ये स्टूडेंट आइडेंटिटी पर ही सबसे बड़ा, मतलब मुझे लगता है ये दिल्ली के लिए ब्लैक डे कहलाना चाहिए कि अब जो दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जो जगह जगह से यूनिवर्सिटी में आते हैं वो अपनी लाइब्रेरी में बैठ कर नहीं पढ़ सकते। ये बिल्कुल सेफ नहीं था और दिल्ली पुलिस को कैंपस में जाकर ये सब नहीं करना चाहिए था। वीडियो ऐसी वायरल हो रही है, स्टूडेंट जा रहे हैं बैग ले लेकर, क्या एक डर का माहौल बन गया है छात्रों में, डर लगने लगा? ऑब्वियसली जब बच्चे बाहर से आ रहे हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, उनके माँ बाप उन्हें सुबह से रात से परेशान हैं, वो लोग भी प्रेशर कर रहे हैं अब आइए यहाँ पर। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टियाँ कर दी हैं, 5 तारीख तक कॉलेज बंद हो गया है, लाइब्रेरी बंद हो गई, कैंपस में एंट्री नहीं है बच्चों की, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? जब वहाँ पर CRPF लग गई है, दिल्ली पुलिस गली गली में घूम रही है इस वक्त, तो लोग वहाँ पर फील सेफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज तो है नहीं उन बच्चों की, वो जाएंगे कहाँ, किसके पास रहेंगे वो लोग? तो बहुत बच्चे आज सुबह से यही हो रहा है कि बच्चे अपने बैग्स पैक कर चुके हैं, जामिया गर्ल्स हॉस्टल में से लड़कियाँ आधे से ज़्यादा घर जा चुकी हैं। क्या लगता है दिल्ली पुलिस की जो कल की कार्रवाई देखी गई है, वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, छात्रों का आरोप है कि ये पूरा जितना भी वहाँ पे बसों में आग लगाई है ये दिल्ली पुलिस ने ही लगाई है, इस पर आप क्या कहना? पुलिस कह रही है कि छात्रों ने लगाई है, ये तो दोनों तरफ से होगा, पुलिस कुछ बोलेगी, छात्र कुछ बोलेंगे। मुझे लगता है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए जब ये वीडियोज़ क्लियर हो जाएंगी किसने क्या करा है, पर जो वीडियोज़ अब तक आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि उसमें कोई भी जामिया का स्टूडेंट नहीं है आग लगाते हुए। ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर आग बुझा ही रहे थे या फिर पिट रहे थे, आग तो कोई नहीं लगा रहा था। वो साफ दिख रहा है कि जो यूनिफॉर्म में लोग थे उन्हीं के हाथ में डंडे थे और वही मार रहे थे और वही आग लगा रहे हैं। कैंपस से बाहर कैसे आया या ये फिर ये लाठी जो चार्ज कैंपस के अंदर हुई थी? देखिए जब पहले दिन प्रोटेस्ट हुई थी तो कैंपस के बाहर जो बच्चे हम लोग आंदोलन कर रहे थे उस दिन भी लाठी चार्ज हुई थी। उस दिन क्या मतलब था लाठी चार्ज का? सिर्फ जामिया में प्रोटेस्ट हो रहा है तो लाठी चार्ज होगा, जब बाकी यूनिवर्सिटीज में दिल्ली के हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ लाठी चार्ज क्यों नहीं हुआ था अब तक? अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लाठी चार्ज कर देंगे, तो ये तो अब बस सोचिए कि हम सड़क पर करें, कैंपस में करें? उन्होंने तो कैंपस में भी नहीं छोड़ा, लाइब्रेरी जैसी जगह नहीं छोड़ी, मस्जिद जैसी जगह नहीं छोड़ी, वहाँ जाकर मारा है। मौलाना पूरी रात अपील करते रहे कि पुलिस अंदर ना आए, पुलिस अंदर ना आए, पर वो लोग अंदर गए और मारा उन्होंने बच्चों को। क्या ऐसे पुलिस अंदर जा सकती है कैंपस के बिना BC के परमिशन के? क्या बिल्कुल नहीं जा सकती? और मुझे लगता है इसमें BC को ही जवाब देना चाहिए कि उन्होंने अब तक FIR क्यों नहीं करी, अब तक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिए उन लोगों ने? उन्होंने ऐसे परमिशन दे दी, वो रात भर कहाँ थी BC की, उन्होंने स्टूडेंट्स को बचाया नहीं किसी को भी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया? बिल्कुल बिल्कुल, अब हमें कोर्ट से ही उम्मीद है, अब हमें जुडिश आंदोलन करने की अनुमति, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उग्र आंदोलन करें। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट है, पर हमें उम्मीद है कि वो इस बार जस्टिस करेंगे, हम ये कह सकते हैं हमें बहुत उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। जी आप भी जाते हैं? जी मैं ओखला में रहती हूँ। जब ये आंदोलन रहा आप मौके पे थी क्या? नहीं मैं घर पे थी, लेकिन घर में इतनी ज्यादा तेज बॉम्ब की आवाज आ रही थी, लाइक जो वो टीयर गैस डाल रहे थे, मुझे नहीं लग रहा था कि इट इज जस्ट अ टीयर गैस, क्योंकि टीयर गैस से इज लाइक आंखों में आंसू आते हैं और हम आंखें नहीं खोल पाते, लेकिन वहाँ बच्चे बिल्कुल बेहोश हो रहे थे, वो इंजर्ड हुए हैं, बुरी तरीके से इंजर्ड हुए, वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और पूरा बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल था, गलियों में पुलिस थी, बाहर रोड पे पुलिस थी, और उसके बाद जो है लाइक पूरा बहुत देर तक एम्बुलेंस की आवाज़ें, बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल था। आई कांट इवन टेल, लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं दे आर इन हॉस्पिटल। क्या लगता है जामिया को जान पूछ के निशाना बनाया? एग्जैक्टली जामिया को जान पूछ के निशाना बनाया गया, जामिया को और AMU को निशाना बनाया गया जान पूछ के, क्योंकि वो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है अगर ये जो बिल आ रहा है ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता खत्म करने, तो लोग क्यों इतने उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर ये नागरिकता देने का बिल है तो फिर एक कम्युनिटी को उस बिल में से क्यों निकाला जा रहा है, बार बार ये क्यों कहा जा रहा है? म्यांमार में भी तो लोग हैं, प्रोसिक्यूशन वहाँ पर भी तो हो रहे हैं, तो अगर हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि वो रिफ्यूजीज को नागरिकता दे रही है, तो म्यांमार रोहिंगा के मुसलमानों को भी लेकर आए और उन्हें भी नागरिकता दें? सिर्फ हम अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की क्यों
क्यों बात कर रहे हैं, और हमारे पास कोई ऐसा डेटा भी नहीं कि जिसमें दिखता हो कि हमारे पास बहुत सारे इन तीन स्पेशली इन तीन एरियाज से हिंदूज आ रहे हैं या पारसीज आ रहे हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत है यहाँ की। आप दीजिए, दूसरों को भी दीजिए, पर जो आपके हम लोग सिटीजन हैं हम लोगों से हमारी नागरिकता क्यों छीनी जा रही है, हमारी आइडेंटिटी का सवाल है। पूरे देश में फैल चुकी है, इसका परिणाम क्या होगा, क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसका परिणाम क्या होगा ये नहीं पता, पर हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ है कि सबको जस्टिस की उम्मीद है, और अब हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करेंगे कि वो जस्टिस करे। और जितनी स्टूडेंट यूनिटी है, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी जितने स्टूडेंट्स हैं वो लोग आएँ, क्योंकि आप अगर हम कैंपस में जाकर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मारेंगे हम लोगों को, कैंपस की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी की बात है, और आज हमारे कॉलेज में कल किसी भी कॉलेज में हो सकता है। जैसे देखा जा रहा था वीडियो में, जो मेल पुलिस वाले हैं वो लड़कियों के साथ बड़ी बर्बरता बरसा रहे हैं, जी कैसे देखते हैं दिल्ली पुलिस का रवैया? ये तो आप सबने ही देखा है कि वो कितने मुझे लगता है जालिम ही हो सकता है जो लड़कियों को इस तरीके से घरों में से खींच खींच कर मार रहे हैं। आप अगर वो छुप रही हैं, बच रही हैं अपने आप को या बचा रही हैं, तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए, पर आप लोग तो इंतजार कर रहे हैं, वो एक कदम बाहर निकालती हैं आप डंडा बरसा देते हैं, जिस पुलिस से हम लोग सोचते हैं कि हाँ पुलिस है हम लोग सेफ है, पर आज तो जब पुलिस वाले हमारे पास खड़े होंगे हमें लगेगा कब हमें डंडा पड़ जाएगा। तो जामिया क्या, मुझे लगता है अब हर लड़की को डरना चाहिए कि वो सड़कों पर आएगी प्रोटेस्ट करेगी तो ये बहुत आम बात होने वाली है। ऐसी भी आ रही है जिसमें पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं गाड़ियों को तोड़ते हुए, बिल्कुल देखिए सारी वीडियोस आ गई हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो में कितनी सच्चाई है। ये एएमयू में हो, जामिया में हो, कहीं भी हो, पर ये हर जगह होगा। क्या क्या लगता है ये एजुकेशन सिस्टम के लिए कितना खतरा हो सकता है इस प्रकार के आंदोलन? जैसे पहले जेएनयू में लाठीचार्ज होता है, आज सुबह डीयू में हुआ है, कल जामिया में हुआ है, एएमयू में हुआ है, एक लखनऊ की यूनिवर्सिटी है उसमें भी गोलीबारी चल रही है, पत्थर, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या माहौल? देखिए सरकार का शुरू से रवैया रहा है कि आप सवाल करिए आप पिटेंगे, आप सवाल करिए आप पर केस होंगे, तो ये नई बात नहीं थी, पर अब स्टूडेंट्स जब सवाल कर रहे हैं आपके पास जवाब नहीं है तो आप यही कर उन्हें दबा सकते हैं। आंदोलन कभी भी खतरा नहीं हो सकते, पर पुलिस ने जो करा है वो हमेशा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर खतरा है, पुलिस की हरकतें एजुकेशन सिस्टम पर खतरा है, हम ये नहीं कह सकते आंदोलन कभी खतरा है, आंदोलन आज भी हों इससे पहले भी हों, पर कभी भी इस तरीके से हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नहीं पीटते हुए दे सकते। और जामिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बुरी तरीके से लड़कियों को मारा गया है। जामिया में जो उग्र प्रदर्शन हुआ, क्या कारण रही, क्या वजह रही कि प्रदर्शन इतना उग्र हो गया? नहीं देखिए कारण तो किसी को पता है नहीं फिलहाल ना, जो वर्जन है वो दो वर्जन है, जो एक है कि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस ने पथराव शुरू किया है, और दूसरा वर्जन पुलिस का है। ठीक है, मसला सिर्फ ये है कि कैसे पुलिस घुस गई कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था जामिया का, कैसे घुस गई पुलिस, यार मजाक चल रहा है क्या ये? वीसी तो ये कह रहे हैं कि जो हमें तो परमिशन भी नहीं थी हमारी, वो पुलिस अंदर आ गई है बिना पूछे, तो यही कह रहे हैं ना, सवाल यही है कैसे घुस गई पुलिस, कैसे आप मतलब गुंडा राज चल रहा है ये कि आप किसी भी एक एक प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में घुस जाएंगे और बच्चों को निहत्ते बच्चों को मारेंगे, इस कदर से मारेंगे कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, ये डेमोक्रेसी है? जैसे वीडियो सामने आ रही है लड़कियों को वो मारा जा रहा है, और फीमेल पुलिस भी नहीं है, जो मेल पुलिस है उन्हीं के द्वारा उनको बड़ी बुरी तरह से मारा। एग्जैक्टली मतलब क्या, यही तो मैं आपसे सवाल आप खुद ही यही पे पूछ रहे हैं, कोई पुलिस नहीं है, पुलिस है तो फीमेल पुलिस कहाँ है? बच्चों को बालों से पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है, यार टेररिस्ट है क्या वो? और जो बाहर निकाले बोले हाथ करके बाहर जाओ, क्यों क्या किया उन्होंने, टेररिस्ट हैं? पुलिस का आरोप है कि इन्होंने बसों में आग लगाई है, उग्र हुए हैं पत्थर, वो सबको पता है कौन हुआ है, वीडियोस आई हैं किसने आग लगाई है बसेस में। ठीक है, तो बेवकूफ नहीं है हम, बेवकूफ बनाना बंद कर दो, पता है हमें, समझ में आता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग, और ये जो मोदी जी अपना चला रहे हैं ना यहाँ पे, चलेगा नहीं अब ये ना, फासिस्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं, इनको लगता है बाप का हिंदुस्तान है क्या, इनके कुछ भी कर लेंगे आके, किसी को ही मारेंगे, अभी भी क्या कर रहे हैं, एबीवीपी घुस के डीयू में बच्चों को मार रही है, क्या चल रहा है ये, कैसे घुस गई पुलिस, क्या कर रही है? अब ये आंदोलन जामिया से शुरू हुआ था, अब ये पहुंच चुका है लखनऊ में भी, एक यूनिवर्सिटी है एएमयू में भी छुट्टी कर दी गई है, वहाँ रात बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, एएमयू में बड़ी तोड़फोड़ हुई है। हाँ जी वहाँ पे भी हुआ है ना, एएमयू के लिए भी आए हैं हम, वहाँ पे भी घुस के हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए यार पुलिस, मतलब उनसे साइन करवा रहे हैं, उनसे उनको फोर्सफुली साइन करवा रहे कि साइन करो कि पुलिस नहीं घुसी थी। छात्रों को डर लगने लगा जामिया से, कुछ ऐसी जामिया से मतलब डर किसको नहीं लगेगा सर, किसको नहीं लगेगा, स्टूडेंट्स हैं हम,
क्या क्या मांग है आपकी, क्यों आज जंतर मंतर पर क्या डिमांड? हम इसलिए आए हैं कि एक तो जो किया गया है उसके लिए अपॉलोजी आनी चाहिए। जो किया गया, इतनी ब्रूटेलिटी से मारा गया है बच्चों को, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कुछ बच्चे सुबह से कपड़े उतार कर इतनी ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं जामिया में। नहीं, कपड़े तो मुझे नहीं पता जितना इन्फॉर्मेशन, पर जामिया में साइलेंट प्रोटेस्ट हुआ था सुबह से, हो रहा है सुबह। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। हाँ, आज भी अभी जितना पता चला है कि उनको फिर से मारा है, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तब भी उन पर लाठी चार्ज किया गया। मतलब आप क्या चाह रहे हो, मतलब प्रोटेस्ट भी मत करो। जितनी जो पूरी हिंसा हुई है, जो पूरा उग्र आंदोलन, कौन है इसका जिम्मेदार? कुछ राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक। अरे सर, ये तो सबका ही हाल है ना, कि सबको पता है किसने क्या किया है। ये पॉलिटिकल नॉनसेंस है। तुमने उस पे तो तुम क्या कर रहे हो, मेरे को बताओ, सेंट्रल में पावर में कौन है? मेरे को कोई लेना देना नहीं है बाकी किसी से। कौन है सेंट्रल में पावर? कौन लाया है ये बिल? आप लाया है, कांग्रेस लाया है, कौन लाया है यार ये बिल? तो क्या इसका जिम्मेदार बीजेपी है सर? ऑब्वियसली बीजेपी है। इतना घुस गए, मार रहे हैं, किसके कंट्रोल में है पुलिस? सेंट्रल के पुलिस के। जो आप लाठी चार्ज हो रही है, पहले जेएनयू में हुई, अभी एनएसयूआई के छात्रों पे हुई, अब जामिया में होगी, क्या पुलिस क्या चाहती है? पुलिस क्या चाहती है यार, वो भी तो उनके हाथों में ही है ना, वो तो पपेट्स है, वो तो वो करेंगे जो उनको मिलेंगी एडमिट, मतलब जो करना है उन्हें। बट कितना यार, आप खुद को इंसानियत है कि मर गई है? मतलब बच्चों को गालियां निकाल रहे हो, कितनी गंदी गंदी गालियां निकाल कर मार रहे हो, मतलब खींच खींच के मारा जा रहा है, मतलब पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए यार, गोली भी लगी है, गोली लगी है दो पैर में बच्चों को, मतलब क्या है ये? मतलब इंसानियत खत्म हो चुकी है, मतलब पुलिस की भी। कैसे घर जाके अपनी आप कैसे शक्ल देखते होंगे यार, कि तुम क्या करके आए हो आज? बस मतलब यही है, इंसानियत की लड़ाई है ये, कि बी आर अम्बेडकर ने जिस जिस हिंदुस्तान का देखा था, उसको इन्होंने रौंद के रख दिया है। डेमोक्रेसी खत्म कर दी है इस देश की, कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, पीसफुली कुछ नहीं कर सकते, आप उठा नहीं सकते, नाजी गवर्नमेंट चला रहे हो क्या यार यहाँ? बस थैंक यू।